जम्मू में यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा एम स्टेडियम से निकलकर तिलातिलो सिद्धेश्वर मंदिर में समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। परन कश्मीर ने आज जम्मू में कई मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता की। कहा, कश्मीर में आतंकवाद से भटका कर टूरिज्म का चांसा दे रही सरकार, विस्थापियों को मुफ्त बिजली देने की भी उठाई मांग। जम्मू के पुराने मंडी इलाके में स्थित 150 वर्ष पुराने राम मंदिर की है अपनी महिमा। दशकों से साधुओं के रहने ठहरने व खान पान का करती है व्यवस्था। बिजली विभाग द्वारा जम्मू की जनता के लिए बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर लगे क्षेत्रों में नहीं लगेंगे पावर कट्स। वही ग्रामीण व बिना स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में 6 घंटे से कम होगी बिजली कटौती। लोगों से अपील, जरूरत के मुताबिक ही करें बिजली का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10वीं कक्षा के परिणाम में जम्मू संभाग के राधा गुप्ता ने किया टॉप। यंग बर्ड्स की टीम से की खास बातचीत, बताए कामयाबी के टिप्स। गांधरबल में जम्मू कश्मीर दरबार ट्रस्ट के चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह ने आज माता खीर भवानी के मौजूदा चांदी के मुकुट को तुलमुला गांधरबल में सोने की परत से सजाकर कहा कि श्रीनगर के गांधरबल जिले में एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। ये देश भर से 1000 तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करेगा और माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। कश्मीर में 6 जगहों पर SIA का छापा, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई। राज्य जांच एजेंसी ने मंगलवार को कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 6 अलग अलग जगहों पर छापा मारा है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में इन जगहों पर कार्रवाई की गई है। मंगलवार सुबह दलबल के साथ SIA की टीम ने श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा में 6 स्थानों पर तलाशी ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, कई अमेरिकन यूरोपियन देशों से होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के निर्यात सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाकर उत्पादकों के लिए निर्यात सस्ता सुगम बनाने की कोशिश हो रही है।